जैसे कि यार हम सभी लोगों को पता है कि Nvidia ने अपने RTX 3000 सीरीज के जो हाई एंड कार्ड्स हैं लाइक 3070 हो गया, 3080 हो गया और 3090 हो गया, ये सभी ग्राफिक्स कार्ड यार अनाउंस कर दिए। लेकिन सस्ते ग्राफिक्स कार्ड का क्या? आप में से जितने मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप ही लोगों ने कमेंट करके मेरे से इतनी बार पूछा था कि भाई सस्ता वाला ग्राफिक्स कार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो भाई जो RTX 3060 है इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यार पता चल चुकी है कि ये कब आ सकता है, क्या इसकी प्राइस हो सकती है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसी ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कि RTX 3060 मतलब डिटेल में बात करेंगे यार इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होगी, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है भाई ऐसे गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब किस बात की देरी है यार, जल्दी से दबाओ उस खूबसूरत से लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को और कर दो उसे ग्रे कलर का, साथ ही में भाई घंटा जरूर दबा देना क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर मेरे आने वाली फ्यूचर की जितनी भी कमाल कमाल की वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और लाइक जरूर कर देना, लाइक एम हम लोग रखते हैं आजकल, तुम बहुत बढ़िया बढ़िया लाइक्स दे रहे हो मेरे को, तो एक लाइक एम भी रख लेते हैं इस वीडियो के अंदर 2500 लाइक्स, तो 2500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर कंप्लीटर करा दो। देखो भाई जो RTX 3070 लॉन्च हुआ है ना वो टारगेट करता है यार मेनली 2K गेमिंग को, यानी कि अगर आपको 1440p के ऊपर गेमिंग करनी है तो आप जाओ भाई 3070 के साथ, अगर आपको 4K के ऊपर गेमिंग करनी है काफ़ी अच्छे खासे रिस्पेक्टेबल फ्रेम रेट्स के साथ में विद रियल टाइम रे ट्रेसिंग ऑन, तो आप जाओ भाई 3080 के साथ में। एंड अगर आप अल्ट्रा रिच हो, कोई उन 1% महान लोगों में से आते हो जो कि 3090 अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आपको 8K के ऊपर गेमिंग करनी है तो आप जा सकते हो भाई 3090 के साथ में। लेकिन यार हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम भाई करते हैं 1080p के ऊपर गेमिंग। क्या यार तुम 2K गेमिंग, 1440p, 4K, 8K इतना नहीं, हमें 1080p के ऊपर गेमिंग करनी है। तो यहाँ पर लोग भाई इसीलिए बात कर रहे हैं कि भाई 3060 कब आएगा, क्योंकि जितने मैक्सिमम लोग हैं ना स्पेशली मेरे चैनल के ऊपर वो सब 1080p गेमिंग वाले हैं, उनको कोई नहीं करनी 3070 के ऊपर 2K लेवल वगैरह की गेमिंग, उनके पास भी ऐसी मेरी तरह एक 1080p मॉनिटर है, उनको 1080p के ऊपर गेमिंग करनी है, तो इसलिए वो मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई 3060 कब आएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग 3060 के बारे में, ज़्यादा ही बकवास कर दी ना मैंने, खैर चलो कोई बात नहीं, हम 3060 के बारे में बात करते हैं। तो भाई 3060 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। देखो अभी जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ये कंफर्म नहीं है कि 3060 के बारे में एक्चुअली क्या है, कुछ लीक्स निकल के आई हैं किसी ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो या तो ये तुम्हारा 3060 हो सकता है या फिर ये तुम्हारा 3060 Ti या फिर उसका सुपर वेरिएंट हो सकता है। जी हाँ, Ti जिसको कि मैं सोच रहा था शायद Nvidia ने खत्म ही कर दिया होगा जब से उनकी सुपर आई थी, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि 3060 सुपर आएगा, जैसे 2060 सुपर आया था ऐसे तुम्हारा 3060 सुपर आएगा। Ti भी आएगा भाई, मेरे को नहीं पता, क्या पता आ भी जाए, कुछ कह थोड़ी सकते भाई, Nvidia है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं यार हम लोग इस मिस्टर इंडिया वाले ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। मिस्टर इंडिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये गायब है, कुछ पता ही नहीं है कौन से ग्राफिक्स कार्ड की स्पेक्स लीक हुई है, बट अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि ये तुम्हारा कोई 3060 Ti करके हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये उसकी स्पेक्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमें ऑन पेपर एक आइडिया हो जाए कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड होगा ये हमें कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, ठीक है। तो अब स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बताई जा रही है कि इसके अंदर हमें मिलेंगी 4864 क्यूडा कोर्स, 152 टेंसर कोर्स, 38 रे ट्रेसिंग यानी RT कोर्स, 8GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी हमें मिल सकती है एंड 14GBPS की इसकी मेमोरी स्पीड होगी। अब देखो तुम्हें ऑन पेपर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर हमें कैसी स्पेक्स मिलती है, तो मतलब किस तरीके की ये परफॉर्मेंस हमें डिलीवर कर सकता है। अब अगर हम लोग इसकी स्पेक्स को देखें तो उस हिसाब से ये आपको 20% कम परफॉर्मेंस देगा देन 3070, और 3070 आपको पता है कि वो 2080 Ti की बराबर की परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, 2080 Ti की बराबर की परफॉर्मेंस हमें 3070 देता है एंड ये उससे 20% कम परफॉर्मेंस देगा। तो इस हिसाब से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड होगा ये हमें परफॉर्मेंस देगा RTX 2080 की, सिर्फ 2080। अपना दिमाग लगा के इसके अंदर सुपर और Ti मत लगा लेना, मैं सिर्फ 2080 की बात कर रहा हूँ, ओनली RTX 2080। तो ये हमें उसकी परफॉर्मेंस लगभग दे सकता है अगर हम स्पेक्स के हिसाब से बात करें तो। अब देखो यार जो इसकी प्राइस बताई जा रही है वो होगी लगभग $399, यानी कि $399। अब इसको जो है तुम कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीस के अंदर, फिर इसके अंदर टैक्स वैक्स जोड़ोगे तो थोड़ा महंगा ही हो जाता है, तो अभी मैं डॉलर के अंदर बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो प्राइस लीक हुई है ना वो US डॉलर के अंदर लीक हुई है, वो इंडियन प्राइस में लीक नहीं हुई है,
ठीक है। साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राइसिंग अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो ये प्रॉपर इंडियन प्राइस निकल के नहीं आती है, फिर उसके ऊपर भी तुम्हें जो है GST ऐड करना पड़ता है, फिर उसके बाद भी 10 तरीके की और पता नहीं क्या अगर टैक्सेस वैक्सेस लग जाते हैं, कस्टम ड्यूटी भी पता नहीं लगती नहीं लगती, जो भी लगती है पर इंडिया तक आते हैं तो ये महंगा हो जाता है, इतनी बात तुम मेरी समझ लो। ठीक है, तो $399 की जो इसकी प्राइस लीक होकर आई है, जो कि सिमिलर प्राइस है 2060 सुपर की जब वो लॉन्च हुआ था। तो जब 2060 सुपर अनाउंस हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो उसकी जो प्राइस थी वो थी लगभग, यार ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, वैसे शांत बैठे रहेंगे अब इनसे कितना ही भुकवा लो। तो भाई मैं ये कह रहा था कि यार जब तुम्हारा 2060 सुपर अनाउंस हुआ था या फिर लॉन्च हुआ था, कुछ भी कह लो, तो जो भाई उसकी प्राइस थी ना वो थी लगभग $399, जो कि अभी जो ये लीक्ड प्राइस आई है इस ग्राफिक्स कार्ड की उसके बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 3060 Ti हो या फिर 3060 सुपर हो, या फिर कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई इस बार कोई सुपर या कोई Ti वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ 3060, 3070, 3080 एंड 3090 मिलेगा। ठीक है, सुपर Ti Ci कुछ नहीं मिलेगा। अब होने को कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारा 3060 भी हो सकता है, ये तुम्हारा 3060 सुपर भी हो सकता है, तुम्हारा 3060 Ti भी हो सकता है। अब अगर मेरी मानो तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारा 3060 Ti या फिर सुपर में से कोई सा एक है। अब वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यार मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसकी जब मैंने आपको स्पेक्स अभी बताई थी तो इसके अंदर मिलती है हमें 8GB की GDDR 6 टाइप की मेमोरी। ठीक है, तो जो तुम्हारा 2060 सुपर है उसके अंदर भी तुम्हें मिलती है 8GB की GDDR 6 टाइप की मेमोरी। तो 3060 के हिसाब से 8GB VRAM देना मेरे हिसाब से एक सही चीज मेरे को नहीं लग रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि $399 के ऊपर तो तुम्हारा आएगा ये 3060 सुपर या 3060 Ti करके कोई सा ग्राफिक्स कार्ड, देन एक अलग से और आएगा जो कि होगा तुम्हारा $299 का। ठीक है, और उसके अंदर तुम्हें मिलेगी 6GB की VRAM, ऐसा मेरा मानना है। अभी ये लीक्स एंड रूमर्स के अंदर भी नहीं आया, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। फिलहाल जो लीक्स आई थी उसके हिसाब से कुछ नहीं कह सकते, नो कन्फर्मेशन, ये तुम्हारा 3060 भी हो सकता है, तुम्हारा 3060 Ti भी हो सकता है, तुम्हारा 3060 सुपर भी हो सकता है, ये तो कंपनी के ऊपर है ना। मैं Nvidia का एम्प्लॉय थोड़ी हूँ जो मेरे को सब कुछ पता होगा, ये तो मैं अपने अनुमान लगा रहा हूँ अपने हिसाब से। एंड मेरे हिसाब से जो तुम्हारा 2060 की जो रिप्लेसमेंट आएगी, यानी कि जो 3060 आएगा ना, वो मेरे हिसाब से जो तुम्हें परफॉर्मेंस देगा वो लगभग तुम्हें समवॉट 2060 सुपर से ज़्यादा एंड 2070 सुपर के लगभग आसपास की तुम्हें परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग थोड़ा सा यार जो ये तुम्हें मैंने प्राइस बताई ना $399 की, ये जो तुम्हें मैंने 3060 Ti और सुपर की, मेरे हिसाब से जो 3060 Ti और सुपर है इसकी जो मैंने तुम्हें प्राइस बताई है $399, इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर भी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा 2080 जब ये मार्केट के अंदर आया था तो जो इसकी प्राइस थी वो थी लगभग $699, मतलब लगभग क्या इसी के ऊपर लॉन्च हुआ था $699 का ये अनाउंस हुआ था या फिर लॉन्च हुआ था, कुछ भी कह लो। ठीक है, जो तुम्हारा ये जो स्पेक्स निकल के आई है इसके हिसाब से जो इसकी प्राइस बताई गई है वो है 399। तो अब तुम देख सकते हो कि तुम्हें $300 कम में उतनी परफॉर्मेंस अब मिल जाएगी, बढ़िया बात है यार। अब हमारा लगभग आधे आधे प्राइसेस में हमारी मौत चल रही है, और मतलब तुम इसे समवॉट कह सकते हो कि लगभग आधी प्राइस के अंदर तुम्हें जो है उतनी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो बढ़िया चीज़ है। तो यही कुछ लीक्स एंड रूमर्स में आपको देना चाहता 3060 के बारे में, या फिर कुछ भी कह लो 3060 Ti या 3060 सुपर। अब ये कौन सा होने वाला है ये तो खैर देखने वाली बात है, जब यार Nvidia अनाउंस करेगा या फिर लॉन्च करेगा इनको, तभी पता चलेगा कि यार ये एग्जैक्टली कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है। मैंने तो बता दिया यार आपको, बाकी और कुछ भी हो सकता है, क्या पता है तुम्हारा 3060 हो, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। बाकी तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अभी तक नहीं कराए तो, बैकग्राउंड यार आपका आज का अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यार आज का बैकग्राउंड आपको वीडियो को कैसा लगा, बहुत मेहनत करके जो है ऐसा बैकग्राउंड बनाया है मैंने। ठीक है, बहुत दिमाग लगाया कि भाई कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लग सकता है, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ बैकग्राउंड को लेकर के, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वाला बैकग्राउंड जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी तो शायद ही मैंने आपको बोल दिया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।